टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नवंबर के महीने में देश के कुछ हिस्सों में 100 का आंकड़ा पार कर चुके टमाटर की कीमतों में फिलहाल नरमी देखने को मिल रही है। आपूर्ति बढ़ने के कारण खुदरा बाजारों में इसकी कीमतों में 21 दिसंबर को एक सप्ताह पहले की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर 13% की गिरावट आई है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों से ये जानकारी प्राप्त हुई है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर टमाटर की कीमत 21 दिसंबर को पिछले सप्ताह की तुलना में 12.89% और पिछले एक महीने की तुलना में 23.69% कम थी। टमाटर की खुदरा कीमत 21 दिसंबर को 47.52 रुपये प्रति किलो थी, जबकि 14 दिसंबर को 54.55 रुपये प्रति किलो और 21 नवंबर 2021 को 62.27 रुपये प्रति किलो थी। सभी प्रमुख शहरों में 21 दिसंबर को टमाटर की कीमतें एक सप्ताह और एक महीने पहले की कीमतों की तुलना में कम ही रही हैं। बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और दिल्ली के प्रमुख बाजारों में आवक में वृद्धि देखी जा रही है और इसलिए पिछले कुछ दिनों में कीमतों के मामले में राहत की स्थिति है। टमाटर की थोक कीमतों में आगे और गिरावट होने का अनुमान है, क्योंकि राजस्थान की फसल बाजार में है और अन्य राज्यों में आपूर्ति दिसंबर के अंत तक आने की उम्मीद है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कम बारिश के कारण महाराष्ट्र और गुजरात में आपूर्ति बाधा की समस्या खत्म हो गई है और अधिकांश खुदरा बाजारों में कीमतों में कमी देखी गई है। आपूर्ति में व्यवधान के कारण पिछले महीने कई शहरों में टमाटर की कीमतें 100 से 120 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गई थी। पिछले महीने देश के कई हिस्सों में टमाटर के दाम 100 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गए थे। वहीं दक्षिण भारत में कुछ जगह टमाटर कुछ समय के लिए 150 तक भी पहुंचा था। बीते महीने दक्षिण भारत के बड़े शहर हैदराबाद में टमाटर के दाम 120 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंचे थे। वहीं चेन्नई में 1 किलोग्राम टमाटर की कीमत 160 रुपये तक पहुँच गई थी। इसके अलावा उत्तर भारत में दिल्ली और उससे सटे इलाकों में टमाटर 100 रुपये प्रति किलोग्राम पर बिका था। कीमतों में ये बढ़त दक्षिण भारत में बेमौसम बारिश की वजह से देखने को मिली थी। बारिश के कारण सप्लाई पर असर पड़ा, वहीं कई जगह बारिश से भी फसल खराब हो गई थी। नवंबर में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 1.87% रही, जबकि इस साल अक्टूबर में यह दर सिर्फ 0.85% थी। नवंबर महीने की खुदरा महंगाई दर 4.91% के स्तर पर पहुँच गई। अक्टूबर के 4.48% के मुकाबले यह अधिक है। वही वनस्पति और खाद्य तेल के दाम में बढ़ोतरी की वजह से नवंबर में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर भी अक्टूबर के मुकाबले अधिक ही रही। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर 6.93% के स्तर पर थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।